नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं 5 राज्यों की बड़ी खबरें। देश के इन बड़े 25 शहरों में से एक चंडीगढ़, जहां नगर निगम में पड़ी सीबीआई की रेड। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 पॉइंट्स होते ही चालक का होगा लाइसेंस रद्द। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को मनोहर लाल सरकार का बड़ा तोहफा। मुस्लिम युवक द्वारा पत्नी को 3 तलाक बोलना पड़ा भारी, हुआ गिरफ्तार। आज के दिन दरबार साहिब में गुरु अर्जन देव जी ने किया था प्रकाश। रविशंकर झा होंगे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। जबरदस्ती या धन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर होगी 5 वर्ष की सजा, कानून में हुआ संशोधन। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े में नया खुलासा, दिल्ली में रचा सारा खेल। देश के 25 शहरों में सीबीआई ने सरकारी कार्यालयों को मारे छापे। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रविंदर भट्ट सुप्रीम कोर्ट में होंगे जज। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम हाउस में शुक्रवार सुबह 11:30 पंजाब के गवर्नर एवं नगर प्रशासक वीपी सिंह बदनोर का अभिभाषण शुरू हुआ। ठीक उसी समय सीबीआई के डीएसपी आरएस गुंजाल्य की अगुवाई में 7 सदस्यीय टीम एमसी ऑफिस पहुंच गई। सीबीआई की टीम शहर के कम्युनिटी सेंटर में लगे जिम के सामान से संबंधित जांच करने पहुंची थी। सीबीआई ने 2016 से लगाए जा रहे लाइफलाइन ब्रॉड के जिम से जुड़ी फाइलें चेक की। टीम शाम 7:30 तक B&R के एसोसिएशन से रिकॉर्ड तलब करती रही। एमसी के एक जेई ने कम्युनिटी सेंटर में जिम लगाए जाने के गड़बड़ झाले की सीबीआई को शिकायत दी थी। शिकायत में शिवालिक बिल्डर का नाम भी लिखा गया था। शिवालिक बिल्डर की ओर से 2016 में एमसी में जिम लगाने के टेंडर लिए जाते रहे हैं। हालांकि यह बिल्डर पहले बिल्डिंग बनाने का काम करता था, लेकिन 2016 से जिम के काम में आ गया। ड्राइवरों के लिए पेनल्टी पॉइंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर कोई भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसे इसके पॉइंट मिलेंगे। 10 पॉइंट होने पर उसका लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। शुक्रवार को होने वाली रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में यह एजेंडा आ रहा है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस SSP ने वायलेशन पर यह पेनल्टी पॉइंट सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव मीटिंग के लिए भेजा है। हरियाणा सरकार ने अब अनुबंध आधार पर रखे सफाई कर्मचारियों व सीवरमैन को बड़ा तोहफा दिया है। ठेकेदारों के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर काम करने वाले ये कर्मचारी अब निकायों के रोल पर आकर काम करेंगे। इससे जहां इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें ठेकेदारों के शोषण से भी मुक्ति मिलेगी। करनाल में एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलना काफी भारी पड़ गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने पत्नी को 3 तलाक बोलकर घर से बाहर कर दिया था। घटना शहर की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी की है। जानकारी के अनुसार न्यू बहादुर चंद कॉलोनी का आजम खान का अपनी पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया। बुधवार को उसने धोबी घाट के पास चांदस राय में पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के 1604 में आज ही के दिन दरबार साहिब में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया था। 1430 अंग वाले इस ग्रंथ के पहले प्रकाश पर संगत ने कीर्तन दीवान सजाए और बाबा जी ने वाणी पढ़ने की शुरुआत की। पहली पातशाही से 6ठी पातशाही तक अपना जीवन सिख धर्म की सेवा को समर्पित करने वाले बाबा जी इस ग्रंथ के पहले ग्रंथी बने। आगे चलकर इसी के संबंध में दशम गुरु गोविंद सिंह ने हुक्म जारी किया, सब सिखिन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश करने के साथ ही उनके स्थान पर जस्टिस झा की नियुक्ति की।
सिफारिश भी राष्ट्रपति को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कृष्ण मुरारी सहित चार अन्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर अब 5 वर्ष तक की सजा होगी। हिमाचल विधानसभा में सर्वसम्मति से इस कानून को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत सी एनजीओ ऐसे ही हैं जिनके पास लाखों रुपए आ रहे हैं और उनका उपयोग गरीबों को धन देकर उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसे रोकने के लिए इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता थी और जो पुराने कांग्रेस के कार्यालय में कानून लाया गया था वह उस समय बेहतर था, लेकिन उसमें सजा कम थी। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े में एसआईटी की ओर से वीरवार रात को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी को पालमपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 सितंबर तक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े में अब तक 30 लोगों को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 8 आरोपी हरियाणा, 1 राजस्थान और 2 लोग उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को भोपाल सहित 25 शहरों में केंद्र सरकार, केंद्र शासित क्षेत्रों और सार्वजनिक उपक्रमों के दफ्तरों में उनकी सक्रियता टीमों के साथ जांच अभियान चलाया। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई दफ्तरों में जाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। सीबीआई इन विभागों में सामान्य नागरिकों की पहुंच के बारे में भी जानकारी ले रही है। इसे पीएम मोदी की लोगों के जीवन को आसान बनाने के संदेश को आगे बढ़ाने वाली कवायद माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए केंद्र को भेजने का निर्णय लिया है। इनमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हृषिकेश राय। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।